लोग तो कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने कर दिखाया। इसे क्या हो गया? शायद इसे हाइपोक्सिया हो गया है। ये क्या होता है? वो मेडिकल कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी या ऑर्गन्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। हमारी क्या हालत है लंग्स? तुम दोनों ठीक नहीं लग रहे। क्या तुम्हें लगता है कि हम तक ऑक्सीजन पहुंच रही है? हालत बुरी है। चिल्ला क्यों रहे हो यार? दिल धक धक कर रहे हैं। इन्हें अकेला छोड़ दो, बेचारे पहले से इतनी मेहनत कर रहे हैं। मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। खैर, हमारी ह्यूमन बॉडी ने सोशल मीडिया पर एक नया चैलेंज देखा है। कौन सा चैलेंज? बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ सकता है? यार, ये ह्यूमंस को आखिर हो क्या गया है? सच में ये तो प्लैंकिंग और डाइविंग से भी बुरा है। सही कहा, हमें मदद की जरूरत है। अरे बाप रे, इतनी ठंड में तो ऑर्गन्स की बात लगने वाली है। अच्छा अच्छा, अब और जोक्स नहीं। डॉक्टर, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई जिनी हूँ? जिनी मतलब? मतलब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कैसे करूँ? मैं एक मेडिकल शो बना रहा हूँ। शो को बनाने में मेहनत लगती है, अब तुम सब इस सिचुएशन में खुद आए और खुद ही इसे सॉल्व भी कर लो। अच्छा, पर तुम इतनी मदद तो कर दो ना कि ये ब्रेन ठीक से काम करने लगे। हाँ ठीक है, जब ब्रेन को हाइपोक्सिया होता है तो चक्कर आना, सिर दर्द होना, ध्यान लगाने में प्रॉब्लम होना और भ्रम जैसी समस्याएं सामने आती हैं। ठीक है, ये सब तो हम मैनेज कर लेंगे। खैर, इसके कारण हम बेहोश भी हो सकते हैं और सारे ऑर्गन फेल भी हो सकते हैं। हाँ, ये तो काफी चिंता की बात है। और कुछ? हाँ, इसके कारण तुम्हें हाइपरवेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी अल्कोहलिसिस और पल्मोनरी और सेरेब्रल एडिमा भी हो सकता है। अरे नहीं, क्या तुम्हें पता ये क्या होता है? हाँ, ये वो कंडीशन होती है जब कोई व्यक्ति अपनी बॉडी को कम ऑक्सीजन लेवल्स की आदत पड़ने बिना ही काफी ऊंचाई पर चला जाता है। तो इन ऊंचाइयों पर जाने से पहले बॉडी को तैयार करना होता है? और नहीं तो क्या। लेकिन हमारा ह्यूमन तो ये एपिसोड्स बनाने में लगा हुआ है, वीडियोस तो अच्छी होती हैं। बहुत ही अच्छा शो है। बेशक। अच्छा ये बताओ, ऊंचाई की वजह से पल्मोनरी एडिमास क्या होता है? क्या लंग्स में तरल भर जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर, क्या तुम इसे चेक कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तो चलो इस लेयर को इनविजिबल बनाकर देखते हैं। अरे नहीं, यहाँ तो काफी सारा तरल है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है दिल। तो ये हुआ हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। तो सेरेब्रल क्या होता है? ब्रेन में भी तरल जमा हो जाते हैं और इसके कारण हमारे स्कल में सूजन आ जाती है और दबाव बढ़ जाता है। वाह लीवर, मान गए तुम्हें। कुछ और बताना लीवर? नहीं बस इतना ही। खैर तुमने ये तो बताया नहीं कि अगर इस एडिमा का इलाज नहीं करवाया गया तो मौत भी हो सकती है। डॉक्टर, हम पहले ही बहुत डरे हुए हैं। लेकिन लीवर, हमें पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। क्या तो तुम मदद कर पाओगे? हाइपोक्सिया के कारण तुम भी तो काफी समस्या में हो और एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो। कोशिश तो करनी होगी डॉक्टर, प्लीज तुम हमारी कुछ मदद करो ना। हाँ, अगर तुम्हारा ये ह्यूमन इस चैलेंज को यहीं छोड़ दे तो मैं मदद कर सकता हूँ, समझ गए ना? ठीक है, डील पक्की। एक मिनट, तो तुम्हारा प्लान क्या है? ब्रेन तो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा, समझे ना? टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। जल्दी मिलते हैं। उम्मीद है कि तुम्हारा जो भी प्लान है वो काम कर जाए। ऐसा ही होगा। सुनो ब्रेन, ये खुला आसमां ये हसी वादियां, दिल धड़कने दो। नो हार्ट, इस चैलेंज को तो मैं पूरा कर ही लूंगा। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। हाँ वही तो, जिंदगी मौत बन जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि रुक जाओ। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं किसी के नहीं सुनता। हीरोपंती बंद करो और वापस चलो। नहीं, मैं इस चैलेंज को पूरा करके इंटरनेट पर फेमस होने वाला। तुम्हारा ये प्लान काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो और ऊपर की ओर चलते हैं। क्या? ये हुई ना काम की बात, अब दिल और दिमाग दोनों एक जैसा सोचते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, आखिरी चढ़ाई सबसे टफ होने वाली है। अपनी टांगों को थोड़ा आराम दो और पानी पी लो, है ना? हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा आराम तो कर ही लेना चाहिए। तो आगे का क्या प्लान है? आराम करने से क्या होगा? आराम करेंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ेगी और ज्यादा ऑक्सीजन हमारे वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच पाएगी, और उम्मीद है ऐसा करने से दिमाग भी अपना दिमाग लगा पाएगा। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतने समझदार हो। वो तुम्हें बचपन से हूँ। एक मिनट, क्या हम सच में माउंट एवरेस्ट पर हैं? ब्रेन, तुम ठीक हो गए? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, हम सब कहाँ हैं? अरे बाप रे बाप, क्या हुआ? मैंने अभी फोन चेक किया, हम समुद्री तल से 8000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। बिना ऑक्सीजन के इतनी ऊंचाई पर सबसे पहले हम ही आए हैं। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है कितनी? लगभग 8800 मीटर। अब तो हम टॉप पर पहुंचने के बहुत करीब है। ब्रेन, अब बस बहुत हो गया, ये एक मिरेकल है कि हम अब तक जिंदा हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ और ये चैलेंज यहीं पर रोक दो। पर मैं ऐसा किया तो सब क्या सोचेंगे? इंटरनेट पर सब मेरी बुराई करेंगे। कोई बात नहीं, जान है तो जहान है, हम कोई और चैलेंज पूरा कर लेंगे। बात को समझो, हम यहाँ तक पहुँचे यही एक बहुत बड़ी बात है। अपने चारों ओर देखो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के चक्कर में आज तक बहुत लोगों ने जान गंवाई है। सालों तक इसकी तैयारी करने वाले लोग भी इस पर चढ़ाई के दौरान मर जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनता हूँ तो हम बच जाएंगे। मैं
इस चैलेंज को यहीं पर रोकता हूँ। क्या तुमने सुना डॉक्टर? तुमने पुकारा और हम चले आए। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई। सच कहूँ तो हार्ट तुमने कमाल कर दिया। खतरा अभी भी नहीं टला है दोस्तों, तुम अभी भी काफी बीमार हो, तुम सभी को मेडिकल सहायता चाहिए और आगे का सफर इतना आसान नहीं होने वाला, समझे? क्या तुम हमारी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो? अब क्या तुम्हारी तो डिमांड ही खत्म नहीं होती? नहीं, ये कुछ अलग है, मेरी बात तो सुन लो। रुको, हम प्लैंकिंग को डाइविंग कर रहे हैं। थोड़ी मस्ती करते हैं ना। अरे नहीं।